हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जेई 2021 एडवांस में आया हुआ पेपर टू। मैं एक एक करके पेपर वन के चारों सेक्शन डिस्कस कर चुका हूं, मतलब पेपर वन अपना पूरा हो चुका है। अब उसी कंटिन्यूशन में मैं पेपर टू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि भाई पेपर टू में किस तरीके का पेपर आया, आसान था, मॉडरेट था, टफ था। वैसे मैथ्स के लिए आसान बोलना तो बिल्कुल ही गलत है। एडवांस में मैथ्स का पेपर आसान नहीं आता, आइदर इट्स मॉडरेट और इट्स टफ, इन दोनों में से ही कोई एक आता है। आसान शब्द मैथ्स के लिए नहीं बना, आसान शब्द बना है केमिस्ट्री के लिए, कभी कभार फिजिक्स के लिए, वरना फिजिक्स का पेपर भी हमेशा अच्छा ही सेट होते हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैथ्स का पेपर है वो अच्छा, मतलब मॉडरेट या टफर साइड पे ही बच्चों पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए कि हम उसी लेवल के क्वेश्चन को करें, उसी लेवल के क्वेश्चन को फोड़ें। तो ये जो वीडियो बनाने का टारगेट यही है कि भाई पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन जेई में पूछे गए। अब देखो, मॉडरेट या टफ बोलने का मतलब मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये नहीं कि पूरा पेपर टफ या मॉडरेट क्वेश्चन से भरा होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन तगड़े होते हैं, तूफानी होते हैं, जिन्हें पेपर में सॉल्व कर पाना मुश्किल रहता है। तो आइए सेक्शन वन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सेक्शन वन जो था बच्चों अपने पास इस वीडियो का, ये है हमारे पास सेक्शन वन। सेक्शन वन जो था बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस पार्ट था, वन और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन थे। वन और मोर देन वन करेक्ट वाले अपने आप में ही अच्छे ट्रिकी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बट इस सेक्शन में मैं कह सकता हूँ ऐसा नहीं था। इस सेक्शन में थोड़े से ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बच्चों पूछे गए। बस मोर देन वन चॉइस में ये होता है कि हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, मतलब वो एक क्वेश्चन ना होके अपने अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन होते हैं, चार। तो चारों को हमें वन वन करके चेक करना होता है और चारों के हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर बताना होता है कि वो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये पीएनसी का क्वेश्चन था भाई। पीएनसी के क्वेश्चन में ये हमें चार सेट दे रखे हैं, S1, S2, S3, S4, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन SR इज NR। IT वाले इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ हमेशा करते हैं, मतलब सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज नहीं पूछते, घुमा फिरा के पूछते हैं। तो N1, N2, N3, मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, ये हमें बताना है। पीएनसी का एक आसान क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा। IJK belongs to 1 to 10, ये हमारे पास है, मतलब I 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, J 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, K 1 से लेकर 10 में कुछ भी हो सकता है, 10 × 10 × 10, 1000। तो ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट ओरली, मतलब एक नंबर तो पक्का हो गया अगर हम कोई गलत नहीं करते हैं तो। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जैसे i < j, j + 2 < 10, i और j, मतलब दो चीज़ों के पेयर हैं लेकिन उनमें ये कंडीशन दी है। ठीक है, अब देखो i 1 से बड़ा है, j + 2 10 से छोटा है, तो इस ऑप्शन के लिए j अपना 8 से छोटा है। अब j अपना 8 से छोटा है तो यहाँ पे i < j + 2, ये और सोचना है हमें। अब देखो दो केस हो सकते हैं, आई और जे, मान लो हमने कोई दो नंबर लिए भाई, 8 से छोटा ही नंबर लिया हमने, आई और जे में हमने 8 से, भाई जे 9 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, वो भले ही 9 हो जाए लेकिन वो 9 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, 8 में से कोई दो नंबर लिए, 8 में से कोई दो नंबर लेने के तरीके कितने हो गए, 8c2। अब 8c2 में जो दो नंबर लिए, बड़े वाला रहा, एक छोटे वाला रहा, बड़े वाला बड़े को दे दिया, छोटे वाला छोटे को दे दिया, बड़े वाला बड़े को दे दिया, छोटे वाला छोटे को दे दिया, तो ये इनइक्वालिटी अपनी फॉलो होगी। तो 8c2 में जब j बड़ा है भाई, इसमें वो होगा जब j बड़ा था और i छोटा था, तो ये हमारे पास इंटरेक्ट रहेगा, 8c2 वो केस हो गए कि भाई 8 में से हमने कोई से भी दो नंबर सेलेक्ट किए। अब ऐसा हो सकता है जैसे इस वाले केस में मेरा j बड़ा था i से, अब ऐसा भी हो सकता है कि j बड़ा, जरूरी नहीं है बड़ा ही रहे, जे छोटा भी हो सकता है, जे अपने पास क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब जे जैसे छोटा हो सकता है, मान लो जे अगर वन है, सपोज करो छोटा या बराबर हो सकता है, जे अगर वन है तो बेटा जी आई लेस देन थ्री हो जाएगा,
तो आई लेस देन 3 हो जाएगा तो हमारे पास आई की 1 या 1 से बड़ी कितनी वैल्यू है? दो वैल्यू हैं कि आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि वो छोटे वाला तो हम ले चुके। इसी तरह अगर जे 2 होगा, अगर जे 2 होगा तो आई लेस देन 4 होगा। यस, आई लेस देन 4 होगा तो जे के बराबर या जे से बड़ी आई की कितनी वैल्यू है? 2 या 3। वापस दो वैल्यू आ गई। तो हर एक जे के लिए आई की कितनी वैल्यू आएंगी? दो वैल्यू आएंगी। दो वैल्यू आएंगी तो मतलब जे कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 8। और आई के लिए ऐसे कितने ऑप्शन हैं जो उनके बराबर या उनसे बड़े हैं? वो कितने हैं? दो। तो 8c2, 8 × 56, 56/2, 28। और 28 + 16, 28 + 16 कितना हो गया? 44। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई बी भी हमारा एकदम सही है। अब बात करते हैं बच्चों सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में क्या है कि भाई चार एलिमेंट हैं आई जे के, आई छोटा फिर जे फिर के फिर एल, ये हमारे पास आई जे के है। तो आई जे के मतलब 10 में से चार एलिमेंट लो, सबसे छोटा आई हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे 10c4, और 10c4 210 आता है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद आई जे के एल, वेयर आई जे के एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। भाई इसमें भी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे आई जे के एल, बट उनमें एक ऑर्डर था कि भाई सबसे छोटा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। यहाँ पे उनको शफल कर सकते हैं, यहाँ पे हम उनको शफल कर सकते हैं। तो एन फोर हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉट शुड बी एन फोर? एन फोर इज इक्वल टू 210 इंटू 4 फैक्टोरियल, कि 210 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 210 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2, और 12 इधर ले आया तो 2 420, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक बच्चों आसान क्वेश्चन था, पीएनसी का सभी बच्चों को ये करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों एसओटी का क्वेश्चन है। एक नई चीज़ एसओटी में उन्होंने पूछी थोड़ी इनइक्वलिटी को लेके, कि एक तो एसओटी और एक उसमें हमने क्या पूछा? इनइक्वलिटी, कि एसओटी प्लस इनइक्वलिटी। फिर उनके क्वेश्चन देखे कि उनके क्वेश्चन कैसे होंगे। अब देखो पी क्यू आर साइड्स हैं। अब देखो हम पढ़ाते क्या हैं क्लास में? ट्राइंगल ए बी सी है, ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। आईआईटी वाले पूछना चाहे तो ऐसे भी तो पूछ सकते हैं हमसे, पी क्यू आर ये लाने की ज़रूरत कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है भाई आईआईटी वाले हैं, इतना तो बनता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन ही हमें चेक करने पड़ेंगे। चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को हमें अलग अलग यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, कॉस पी इससे बड़ा है, तो कॉस पी को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 QR ग्रेटर देन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 QR। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2 QR, और क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमेशा सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई इसका ए आंसर हमारे पास सही है। अब इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं भाई, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा था। जैसे इसमें क्या है, हम थोड़ा सा इस इनइक्वलिटी को लेके चलो। हर एक क्वेश्चन में पी प्लस क्यू उधर गया, तो पी प्लस क्यू इंटू कॉस आर है ना, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास? क्यू कॉस पी माइनस आर कॉस पी है ना, प्लस पी कॉस क्यू माइनस आर कॉस क्यू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो पी कॉस आर प्लस आर कॉस पी, दैट विल बी भाई पी कॉस आर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये हमने कलर ले लेते हैं। तो ये पी कॉस आर और आर कॉस पी, इसको मैं क्यू क्यू लिख सकता हूँ कि दैट विल बी क्यू। इसी तरह क्यू कॉस आर प्लस आर कॉस क्यू, उसे पी लिख सकता हूँ, और दैट इज ग्रेटर देन क्यू कॉस पी पी कॉस क्यू विच विल बी आर। अब ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू आर लिख रखा है। जब बड़ा वाला सही है तो ये भी हम इसे सही बोल देंगे कि यार ये भी बात हमारी सही हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अब बात आती है ऑप्शन नंबर सी की।
अब देखो ऑप्शन नंबर सी में, इस वाले सी में क्यू प्लस आर अपॉन पी है ना लेस देन टू, साइन रूल से इसे साइन में चेंज कर दिया, के क्यू के आर और के पी, के कट जाएगा तो ऊपर बचेगा क्यू आर का अंडर रूट और नीचे क्या बचेगा पी, पी तो हमने उड़ा दिया भैया है ना। अब यहाँ पे क्या बना, इससे हमारे पास अंडर रूट क्यू माइनस अंडर रूट पी, सॉरी अंडर रूट आर का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। क्या ये लेस देन जीरो हो सकता है? नो, ये लेस देन जीरो नहीं हो सकता, तो ये अपना आंसर नहीं है। इसके बाद इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे कॉस क्यू ये हमें दे रखा है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था यार, जैसे आर कॉस क्यू ग्रेटर देन पी है ना, और ये हो गया क्यू कॉस आर ग्रेटर देन पी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यस, तो आर कॉस क्यू प्लस क्यू कॉस आर कितना हो जाएगा, पी ग्रेटर देन टू पी, तो पी लेस देन जीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सी और डी इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी अपने करेक्ट हैं। एसओटी का मैं इसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों कहूँगा कि इट्स ए गुड प्रॉब्लम, बट लेकिन आसानी से हो रहा है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, मतलब रोल्स थ्योरम क्वेश्चन है, प्योरली रोल्स और एलएमवीटी का क्वेश्चन है भाई। जैसे ही इंटीग्रेशन वगैरह दिखाई दे जाए, ये एटलीस्ट वर्ड दिखाई दे जाए ना कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो रोल्स और एलएमवीटी के बारे में हमें यहाँ पे सोच लेना चाहिए। अब जैसे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो हमने ये बता रखा है क्लास में कि भाई इसके इंटीग्रेशन को फंक्शन मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स एफ टी डी टी, कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थ्री एक्स का साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, तो माइनस साइन थ्री एक्स, ये मैंने इसका इंटीग्रेशन एक फंक्शन लेट से ये मैंने मान लिया जी एक्स, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जी ऑफ जीरो पूछूँ, तो जी ऑफ जीरो ये कितना हो गया, जीरो से जीरो जीरो, ये कितना हो गया जीरो, तो जी ऑफ जीरो कितना है जीरो, ठीक है। जी ऑफ पाई बाय थ्री पूछूँ, तो ये तो जीरो से पाई बाय थ्री जीरो दे रखा है, और पाई बाय थ्री पे ये भी कितना आएगा जीरो, तो जी ऑफ पाई बाय थ्री भी कितना आएगा जीरो, दोनों ही चीज़ जीरो आ गई। इसका मतलब रोल्स थ्योरम का कहेगी कि इनके बीच में इनके डिफरेंशिएशन का एक सोल्यूशन जरूर होगा, तो ये ऑप्शन सही है भाई, ठीक बात, दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट, आसान क्वेश्चन। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में इसको इधर ले आओ माइनस सिक्स अपॉन पाई को, या फिर हम इसमें भाई माइनस सिक्स अपॉन पाई को इधर ले आओ, और इसे भी हम किससे निपटाते हैं, रोल से ही निपटाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से लेके एक्स एफ टी डी टी है ना, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस कॉस थ्री एक्स, क्या होगा, प्लस कॉस थ्री एक्स, ठीक है। साइन थ्री एक्स, थ्री साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स हमारे पास हो गया। मान लो ये हमारे पास एच एक्स फंक्शन है, एल एम वी टी से निपटा लेते हैं यार, चलो ये क्या फंक्शन है हमारे पास, एल एम वी टी, ठीक। तो एल एम वी टी भाई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशियबल है, तो एल एम वी टी कहेगी कि भाई एक ना एच डैश एक्स का एच डैश एक्स बराबर एच ऑफ पाई बाई थ्री माइनस एच ऑफ जीरो अपॉन पाई बाई थ्री का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर है, बोलो हाँ है ना। अब देखो एच ऑफ पाई बाई थ्री बेटा क्या होगा, एच ऑफ पाई बाई थ्री, एच ऑफ पाई बाई थ्री ये तो जीरो से जीरो, सॉरी जीरो से पाई बाई थ्री, ये तो हो गया जीरो, कॉस पाई बाई थ्री इंटू थ्री, सॉरी कॉस पाई कितना हो गया माइनस वन, जीरो रखेंगे जीरो, ये जीरो कितना हो गया वन अपॉन पाई बाई थ्री है ना, मतलब इसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर है, तो वही तो दे रखा है भाई माइनस सिक्स अपॉन पाई, तो ये बी ऑप्शन अपने पास सही हो गया, सही बात। अब ये दो तो लिमिट के थे यार, दोनों लिमिट के बड़े आसान हैं भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो से लेके एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स, भाई अगर मैं एलोपिटल लगाऊं तो ये एफ एक्स ये वन हो जाएगा, एफ जीरो, एफ जीरो क्या दे रखा है वन, तो इसकी वैल्यू वन दे रखी है, सही बात। अब इसको यहाँ पे एक्स को ब्रेक कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होगा, ये वन होगा, तो ये माइनस वन, ये गलत हो गया, ठीक बात। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये कहानी कितनी हो गई वन हो गई, और वन माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस वन, तो ये ऑप्शन सही आ गया,
ये होता है ना e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो वहाँ हमारे पास कितना जाएगा भाई, माइनस है ना वन माइनस, तो ये माइनस वन हो जाएगा, वो वन हो गया, कार्यक्रम ख़त्म। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री भी आसान है। मैंने कहा ना कि इसमें थोड़े से रहम खाई है, मतलब रहम बरती है इन क्वेश्चंस में, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि आईआईटी वाले अगर पूछेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पूछेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि यही पूछते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ही ये स्ट्राइक करते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है। बस मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये जो है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब वेरिएबल्स डाल रखे हैं, क्या डाल रखे हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करना हमेशा ही आसान नहीं होता, वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करने में हमेशा ही मुसीबत का हमें सामना बेटा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स पे अल्फा का इंटीग्रेशन x, अल्फा x और e की पावर अल्फा x हमारे पास क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, e की पावर अल्फा x इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, इसमें e की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू x dx, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक बात। अब यहाँ पे बाई पार्ट से इंटीग्रेशन होगा, लेकिन बाई पार्ट तभी लगेगा जब यहाँ पे ये है, अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाए तो ये फिर x बचेगा, तो एक केस होगा अल्फा प्लस बीटा जीरो नहीं है, एक केस होगा अल्फा प्लस बीटा जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, e की पावर अल्फा x इंटू y, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x एज इट इज, e की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू x अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर अल्फा प्लस बीटा x, तो ये हो जाएगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा का वापस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा x अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। सही बात, मैंने दोनों बार लगातार इंटीग्रेशन कर दिया, मैंने कहा कि भैया क्यों परेशान करें बच्चों को, तो e की पावर अल्फा x से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा e की पावर बीटा x, e की पावर बीटा x इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। अब अल्फा वन बीटा वन रखेंगे तो हमारे पास इसका ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कोई एक हमारा ऑप्शन यहाँ पे कि अल्फा वन और बीटा वन, कि अल्फा वन बीटा वन पे हमारे पास, जैसे अल्फा वन बीटा वन रखेंगे तो वाई कितना होगा हमारे पास, e की पावर x इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक बात। अब c निकालने के लिए इन्होंने f y ऑफ वन वन दे रखा है, ठीक, तो y ऑफ वन वन दे रखा है तो वन रखा, वन बराबर e बाई फोर प्लस सी, वन रखा है ना मैंने तो अपॉन e, ठीक है। तो c मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, c आ गया मेरे पास 1 माइनस ई बाई फोर इंटू ई, वन माइनस तो e माइनस ई स्क्वायर बाई फोर, ई माइनस ई स्क्वायर बाई फोर और e माइनस ई स्क्वायर बाई फोर मुझे दिखाई दे रहा है ये इसमें, तो ये c ऑप्शन एक हमारे पास इसका आंसर, और वो हमारे पास बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह दूसरा केस क्या होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा अपना जीरो आ जाए, अल्फा प्लस बीटा जीरो आ जाए तो बेटा जी ये वन हो गया अपने पास, तो ये एक्स बचा, तो e की पावर अल्फा एक्स इंटू वाई, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या हो गया वाई, ये हमारे पास आ गया वाई एक्स स्क्वायर बाई टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स
प्लस सी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें देख सकता हूँ कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरे पास फिट बैठने वाला है। एक्स स्क्वायर बाई टू, अगर मैं अल्फा को वन रख दूँ, अल्फा को मैं क्या रख दूँ वन, तो सी ई की पावर, सॉरी ये सी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स होगा। अब अल्फा को मैं वन रख दूँ क्योंकि माइनस एक्स चाहिए मुझे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। अब सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वन पे वन वैल्यू है, तो वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ई प्लस सी अपॉन ई। तो यहाँ से सी मेरे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा मेरे पास ई माइनस हाफ इज इक्वल टू सी। ई माइनस हाफ कितना आ गया, सी। तो ये ऑप्शन नंबर ए मुझे दिखाई दे रहा है कि ए अपना मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं बोल सकता हूँ, कैलकुलेशन है, अननोन होते हैं तो कैलकुलेशन होती है, तो बच्चों के लिए ट्रबलसम बच्चों को रहता है, बट कॉन्सेप्ट तो पता था ना भाई, ये तो पता था ना करना क्या है, शुरू कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमारे पास वेक्टर का क्वेश्चन है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन में इन्होंने खूब सारी चीज़ें दे रखी हैं, और खूब सारी चीज़ों में हमें कैलकुलेशन कर करके यहाँ पे देखना है। जैसे ओ ए वैक्टर दे रखा है, ओ बी वैक्टर दे रखा है, ओ सी वैक्टर दे रखा है हाफ ओ बी माइनस लेमडा ओ ए, ठीक है, और ओ बी क्रॉस ओ सी हमें 9/2 दे रखा है कि ओ बी क्रॉस ओ सी का जो मोड है वो अपना 9/2 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, मतलब लैम्डा मिल जाए तो शायद सब चीज़ें वैल्यू अपनी जो हैं यहाँ पे निकल जाएंगी कि भाई लैम्डा आ गया तो अब हम चीज़ें क्या देख सकते हैं। उसके लिए ओ बी क्रॉस ओ सी की वैल्यू दे रखी है कि बी क्रॉस सी, वैसे कैलकुलेशन ही है इस क्वेश्चन में, मुझे तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पे बी क्रॉस ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ, हाफ बाहर आ जाएगा बेटा जी, मॉड बी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 9/2। ठीक बात, तो ये अपना हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू 9। ये कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू 9। लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है तो लैम्डा को हम बाहर ले सकते हैं। अब मॉड ए क्रॉस बी निकालना है, तो मॉड ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए क्रॉस बी अगर हम देखें आई जे के 2 2 1 1 माइनस 2 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा 2 2, दिस विल बी 6 आई कैप, ठीक है, और j के साथ कितना आएगा 4 माइनस 3 जे कैप, और इसके साथ कितना आएगा माइनस 4 माइनस 6 के कैप। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b, बेटा जी मुझे तो 9 आता दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कितना है 9। अब ये मेरे पास बच्चों 9 आ गया है, तो लैम्डा मॉड लैम्डा 9, ये 9 हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि लैम्डा हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। अब लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है तो बेटा जी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसे तो हम वैसे ही टिक कर सकते हैं, मॉड ए क्रॉस बी कितना आ रहा है 9, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, तो बी ऑप्शन अपना सही हो गया कि दिस विल बी 9/2। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देख सकते हैं, ओ सी का ओ ए पे प्रोजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है भाई, सी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए, भाई ये होगा ए डॉट सी अप, सॉरी मैं थोड़ा सा भाई ओ सी का, सी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए डॉट सी अपॉन मॉड ए। अब देखो लैम्डा वन पता है तो हमें ये पता है लैम्डा वन पे कि हमारे पास क्या आने वाला है, और भाई अब मुझे लगता नहीं कि भाई इसे हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए बाई टू
इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना होगा 3, मॉड ऑफ ए कितना होगा अपने पास 3, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट क्या आ रहा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी देखें 2 माइनस 4, ए डॉट बी अगर हम देखें कि ए डॉट बी कितना आ रहा है 2 माइनस 4 भाई 2 माइनस 4 प्लस 2, तो ए डॉट बी अपने पास कितना आ गया 0 आ गया, कि ए डॉट बी इज नथिंग बट 0। अब ए डॉट बी 0 है तो हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन देख सकते हैं कि भाई प्रोजेक्शन हमारे पास कितना आ रहा है, ए डॉट बी 0 माइनस मॉड ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, ये कितना होगा 9, तो -3/2, तो ऑप्शन नंबर ए भी अपने पास सही आ गया। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, हाफ मॉड बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, हाफ मॉड बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो यहाँ पे बी माइनस ए को भैया लिख दो, बी माइनस ए 2c हो गया है ना, फिर उससे हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह ये तो इसके आंसर ए बी सी हैं। कैलकुलेशन में भेज छोड़ रहा हूँ यार, ये है ना, मन नहीं कर रहा मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे बच्चों का मन नहीं करता ना कैलकुलेशन करने का, ऐसे मेरा मन नहीं करता, मैंने कहा यार क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई, मल्टीपल चॉइस में ये भी एक क्वेश्चन था भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैक्सिमम हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसमें चारों ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। आपने ये देखो खास तौर पे बात यही है कि चारों को चेक करो, तब जाके बताओ कि भाई कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर उनका गलत है ना। अब यहाँ पे भाई एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला का वैसे ही आसान क्वेश्चन है, पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसका फोकस होगा 2,0, ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पे होगा बच्चों जी, ये पैराबोला हो गया और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई -2,4, ये डायरेक्ट्रिक्स पे अपना एक पॉइंट होगा P, ठीक है। लेट Q एंड Q डैश बी द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E सच दैट PQ एंड P, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ये Q हो गया, ये Q डैश हो गया, है ना। हमें पता है कि ये खींचते हैं तो ये हमारे पास, ये हमारे पास फोकल कोड होती है, क्या होती है ये फोकल कोड, ठीक। और ये हमारे पास यहाँ से एंगल कितना होता है 90, चलो भी देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। F बी द फोकस, कि भाई F इसका क्या है, हमारे पास फोकस है, फोकल कोड ये हो गई F, तो ये F फोकस हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ट्राइंगल पी एफ क्यू भाई पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल, तो A इज करेक्ट, ठीक। द ट्राइंगल QPQ डैश ये एंगल 90 डिग्री पहले ही बोल चुका हूँ, तो ये बी भी सही है। F lies on the line joining QQ डैश, ये भी सही है, ठीक है, फोकल कोड है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, F क्या है हमारे पास 2,0 होगा बेटा जी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4√2 आ रही है और दे क्या रखी है 5√2, तो ये सी ऑप्शन अपने पास गलत है। तो देखो कितना लड्डू क्वेश्चन है यार, इससे लड्डू क्वेश्चन नहीं पूछ सकते भाई, है ना। ये बहुत ही लड्डू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन फोड़ना चाहिए था। तो बच्चों ये हमारे पास सेक्शन 1 था, दिस वॉज सेक्शन 1, कि हमारे पास ये सेक्शन 1 था कि भाई सेक्शन 1 में हमें क्या करना था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने देखा कि हम किस तरीके से सॉल्व उन्हें कर सकते थे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और आगे वाले वीडियो में आगे सेक्शन के और आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।